नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसान खबरी की एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पावर ट्रैक यूरो 439 ट्रैक्टर के बारे में। दरअसल किसान भाई, यूजी ट्रैक्टर एक 42 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट, अगर आपकी 42 हॉर्स पावर तक की रेंज का ट्रैक्टर चाहिए तो मेरे हिसाब से ट्रैक्टर आपके लिए काफी बढ़िया चॉइस रहेगा। ये ट्रैक्टर आपको काफी कम बजट में मिल जाता है। ट्रैक्टर परफॉर्मेंस काफी अच्छा देता है, दिखने में बढ़िया है, नए जमाने का ट्रैक्टर है। पावर ट्रैक कंपनी ने काफी बढ़िया तरीके से इस ट्रैक्टर को डिजाइन करा है और पावर ट्रैक की यूरो सीरीज के जितने भी ट्रैक्टर हैं सभी काफी बढ़िया है। एवरेज काफी बढ़िया देते हैं, परफॉर्मेंस काफी बढ़िया देते हैं, बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है, दिखने में एकदम नए जमाने के ट्रैक्टर हैं। अगर आप एक मध्यम वर्ग के किसान हैं, अगर आपको नॉर्मल रोजमर्रा के खेती काम के हिसाब से ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट है तो मेरे हिसाब से ट्रैक्टर आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। ये ट्रैक्टर जो है रोटावेटर, हॉलेज और बाकी नॉर्मल खेती कामों में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। आप इस ट्रैक्टर की मदद से 6 फीट तक का रोटावेटर चला सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो चलिए और डिटेल में बात करते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। और सबसे पहले हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की कीमत के बारे में। तो इस ट्रैक्टर जो कीमत तकरीबन 6,20,000 से लेकर 6,70,000 के आसपास रहती है। इस ट्रैक्टर जो कीमत है कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कृषि यंत्रों की जो कीमतें फिक्स नहीं होती है। मैंने जो आपको कीमत बताई इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि तकरीबन इतने बजट में ट्रैक्टर आपको पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर इंजन के बारे में। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, ये जो ट्रैक्टर 42 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर इंजन के सिलेंडर की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है। इस ट्रैक्टर इंजन की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर जो इंजन तकरीबन 2339 सीसी की पावर जनरेट करता है। आरपीएम की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर जो इंजन तकरीबन 2000 आरपीएम जनरेट करता है। और फ्यूल इंजेक्शन पंप की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप देखने को मिल जाता है। एयर फिल्टर की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको ऑयल बार टाइप वाला एयर फिल्टर देखने को मिलता है, इसमें आपको ड्राई टाइप एयर फिल्टर नहीं मिलता है। कूलिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको कूलेंट कूल टाइप वाला इंजन देखने को मिल जाता है। अगर आप ओवरऑल देखें तो काफी बढ़िया इंजन जो इस ट्रैक्टर डिजाइन करा गया है। इस ट्रैक्टर जो इंजन है काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, काफी ज्यादा लो मेंटेनेंस है और बिल्ड क्वालिटी भी कंपनी ने काफी बढ़िया दी है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर ट्रांसमिशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर क्लच के टाइप के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल क्लच और डुअल क्लच दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फिलहाल किसान भाइयों, मेरी सलाह ये रहेगी आप इस ट्रैक्टर को डुअल क्लच के साथ लीजिएगा तो ट्रैक्टर जो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा, खासतौर पर अगर आप पीटीओ वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बेहतर रहेगी। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर ट्रांसमिशन के टाइप के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको कांस्टेंट मैच वाला ट्रांसमिटर देखने को मिल जाता है। गैलीवर की पोजीशन की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको सेंटर शिफ्ट और साइड शिफ्ट दोनों ही गैलीवर की पोजीशन देखने को मिल जाती है। और गियर की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 8 फॉरवर्ड गियर और 2 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। काफी बढ़िया गियर जो इस ट्रैक्टर में दिए गए, गियर बॉक्स की जो बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है और गियर की शिफ्टिंग वगैरह भी काफी स्मूथली होती है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर मैक्सिमम फॉरवर्ड स्पीड के बारे में। तो ये जो ट्रैक्टर है तकरीबन 36 किलोमीटर प्रति घंटे के तक भाग सकता है। काफी अच्छी फॉरवर्ड स्पीड इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको मल्टीप्लेटेड ऑयलमस डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। काफी बढ़िया ब्रेकिंग सिस्टम जो ट्रैक्टर में दिया गया है। अब हम बात करते हैं ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक्स के बारे में। इस ट्रैक्टर में आपको तकरीबन 1600 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इस ट्रैक्टर में आपको सेंसी 1 टाइप वाली लिफ्ट देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही प्रोसेसली काम करती है और लिफ्ट के मामले में काफी बढ़िया टेक्नोलॉजी मानी जाती है। इस ट्रैक्टर लिफ्ट में आपको ऑटोमेटिक डेप्थ कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल वाला सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। लिफ्ट जो काफी हैवी ड्यूटी है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर स्टीयरिंग के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको पावर स्टीयरिंग और मैकेनिकल स्टीयरिंग दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टीयरिंग टाइप जो चुन सकते हैं। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको तकरीबन 50 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। ट्रैक्टर जो एवरेज काफी बढ़िया देता है और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छे देता है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर पीटीओ के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर पीटीओ के टाइप के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 6 स्प्लिन शार्ट वाला पीटीओ टाइप देखने को मिल जाता है। इस ट्रैक्टर पीटीओ के आरपीएम की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर जो पीटीओ तकरीबन 540 आरपीएम जनरेट करता है। इस ट्रैक्टर में आपको केवल सिंगल स्पीड पीटीओ मिलता है, इसमें आपको डुअल स्पीड पीटीओ नहीं मिलता है। इस ट्रैक्टर पीटीओ के हॉर्स पावर की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर जो पीटीओ तकरीबन 39 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है। आप इस ट्रैक्टर पीटीओ के मदद से 6 फीट तक का रोटावेटर चला सकते हैं और थ्रेसर वगैरह पे भी इस ट्रैक्टर पीटीओ जो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर टायर के साइज के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको 6x16 का फ्रंट टायर देखने को मिल जाता है। इस ट्रैक्टर पिछले टायर के साइज की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 13.6x28 का पिछले टायर साइज देखने को मिल जाता है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर टोटल वजन के बारे में। तो वो तकरीबन 1850 किलोग्राम। व्हील बेस की अगर हम बात करें वो तकरीबन 2010 mm। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें वो तकरीबन 400 mm। तो इस ट्रैक्टर जो वजन है और ग्राउंड क्लियरेंस काफी बढ़िया दिया गया है। ट्रैक्टर कहीं पर भी अड़ेगा नहीं और काफी नफतोला इस ट्रैक्टर को बनाया गया है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर वारंटी के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको तकरीबन 5 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। और वैसे भी ये जो ट्रैक्टर काफी ज्यादा लो मेंटेनेंस माना जाता है, परफॉर्मेंस काफी बढ़िया देता है, एवरेज भी काफी बढ़िया देता है और पावर ट्रैक कंपनी जो सर्विस भी काफी बढ़िया प्रोवाइड कराती है और इस ट्रैक्टर जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह वो भी काफी आसानी से आपको मिल जाते हैं। तो किसान भाई, इतनी जानकारी पावर ट्रैक यूरो 439 ट्रैक्टर के बारे में। अगर आपकी रिक्वायरमेंट, अगर आपको एक 42 हॉर्स पावर तक की रेंज का बजट वाला ट्रैक्टर चाहिए, जो कि परफॉर्मेंस अच्छी दे, दिखने में बढ़िया हो, चलने में बढ़िया हो और एवरेज भी बढ़िया दे, तो मेरे हिसाब से ट्रैक्टर आपके लिए काफी बढ़िया चॉइस रहेगा। पावर ट्रैक यूरो सीरीज के जितने भी ट्रैक्टर हैं सभी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं और काफी अच्छे माने जाते हैं।
तो फिलहाल किसान भाई इतनी जानकारी पावर ट्रैक यूरो 439 ट्रैक्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। किसान भाई हमने पावर ट्रैक के बाकी ट्रैक्टर्स पर भी ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, तो आप अपने चैनल किसान खबरी पर जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।